नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आपके अपने फेवरेट चैनल्स का नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग डायरेक्ट टू फील्ड। तो ये देखिए, आज हम ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, ये हम इसमें पॉलिनेशन लगवा रहे हैं। ये स्टैंडर्ड वैरायटी का पौधा है और हम इसको इसमें पॉलिनेशन के लिए किसमें पॉलिनाइजर वैरायटी डाल रहे हैं। ये हमारा पॉलिनाइजर वैरायटी है, ये हमारे लिए इसमें पॉलिनेशन का काम करेगा। और इस तरह से हमने इसमें जो कट लगाया, अब ये देखिए आप, जो ये ग्राफ्टिंग है इसको हम टंग ग्राफ्टिंग कहते हैं। जैसा चीरा हमने यहाँ पे लगाया वैसा ही चीरा हम इसमें सेम इधर लगाएंगे इस तरह से। और ये हमने चीरा लगाया और फिर हम इन चीरों को इस तरीके से आपस में जोड़ेंगे। ये देखिए, इधर आइए आप, इधर से दिखाइए, ये वाली साइड दिखाइए आप, देखिए किस तरह से ये जुड़ चुका है। ये देखिए इसका पॉइंट, ये वाला पॉइंट देखिए, पूरी तरह से ये जुड़ चुका है। ये देखिए ऊपर और नीचे की चमड़ी आपस में मिल चुकी है। और अब हम इसके ऊपर रैपिंग करेंगे और रैपिंग करने के बाद हमारी ये कलम पूरी हो जाएगी और हमें इसे पीस पेड़ के लिए हमें अच्छा पॉलिनेशन मिल जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, हम इसमें अब रैपिंग कर रहे हैं। और सॉरी, रैपिंग करने का तरीका ये है, आप इसको यहाँ से प्लास्टिक को इस तरह से पकड़िए, आपकी कलम बिल्कुल भी नहीं हिलनी चाहिए। अगर आपकी कलम लगाती बार हिलती है तो ये इसमें सूखने का खतरा ज़्यादा रहेगा। ये देखिए इस तरीके से, और हम इसको इस तरह से इसको बांधेंगे और ये हमारी कलम इस तरह से बिल्कुल पूरी तरह से एयरटाइट हो जाएगी। ये देखिए, और हमने इसको अच्छे तरीके से रैप कर लिया प्लास्टिक से। रैप करने के बाद हम इसको यूँ, जो हमारे पास एक्स्ट्रा जो प्लास्टिक बचता है उसको हम इसमें इस तरह से रैपिंग करेंगे और लास्ट में हम इस तरह से इसमें नॉट लगाएंगे। और इस तरह से हमारी इसमें एक पॉलिनाइजर की वैरायटी इसमें लगी है। और ये देखिए आप, ये भी इसमें अच्छे पॉलिनेशन का काम करेगी। और ये देखिए आप इस पेड़ को दिखाइए, इस पेड़ के लिए ये काफ़ी है, एक ही कलम इसमें काफ़ी है। तो इस तरह के चैनल देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।